छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले राज्य सरकार घोषणा पत्र में किए वादे शराबबंदी को पूरा करने की तैयारी में है, जिसको लेकर सरकार की गठित की गई शराबबंदी अध्ययन दल बिहार के लिए रवाना हो गई है। बता दें, बिहार से लौटकर अध्ययन टीम जो है मिजोरम भी जाएगी। इसकी जानकारी आबकारी मंत्री कवासकी लखमा ने दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मिजोरम आने के बाद अध्ययन टीम सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं प्रदेश में शराबबंदी होगी या नहीं, अभी ये कहना जल्दबाजी होगा। बस्तर के लोग पूजा पाठ में भी शराब का उपयोग करते हैं, बस्तर में शराबबंदी का सवाल नहीं उठता। इस दौरान मंत्री लखमा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा शराबबंदी को लेकर गंभीर नहीं है, भाजपा के लोग झूठ बोलने में माहिर है, इसलिए बैठक में नहीं आने और कमेटी में मेंबर्स नहीं भेजते। आज हमारा सरकार लगातार प्रयास कर रहा है। माननीय भूपेश बघेल साहब के नेतृत्व में विधानसभा में घोषणा किए थे कि हम शराबबंदी कैसा किया जाए, ये सामाजिक बुराई है, इसको कम कैसे किया जाए, ये सारे प्रकार के विधानसभा के अंदर भूपेश बघेल ने खुला मंच से घोषणा किया था कि चुने हुए विधायक, हर दल का विधायक, चाहे जोगी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, सब वर्षीय जनता पार्टी, ये कोई पर भी एक ही बहुजन समाज पार्टी का विधायक आवेदन दिया मेंबर।